हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिजनेस पॉलिसी डील विद डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ एन ऑनगोइंग एंटरप्राइज। सच पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन एट टॉप लेवल आफ्टर केयरफुली इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी लीडरशिप पोजीशन रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी की बात करें, बेसिकली पॉलिसी होती क्या है, पॉलिसी की ये बात करें, पॉलिसी नीति, जिन नीति पे हमारा मतलब कि जिन नीतियों पे हम अपने बिजनेस को अपने व्यापार को करते हैं उसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी में। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी डील विद द डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑनगोइंग एंटरप्राइज। किस तरीके से हमने बिजनेस को फॉलो करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करना है, कौन कौन सी नीतियों पे हमें काम करना है, वो हम बात कर रहे हैं किसमें, बिजनेस पॉलिसी में। ठीक है, जो कि क्या है, अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, तो टॉप लेवल पे जो टॉप लेवल है वो उसको क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें बिजनेस अपना रन करना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे वो हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं टॉप लेवल के द्वारा लिए जा रहे हैं आफ्टर केयरफुली इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मीन्स टू से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ पे हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस हैं, किस तरीके से उनको रिकवर करना है। ठीक है, और उन किस हिसाब से हमें क्या करना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए हम अपने बिजनेस को रन करना है। तो इस तरीके की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस पॉलिसी की। यानी कि हमने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या हमारे मार्केट में प्राइस चल रहे हैं प्रोडक्ट के, क्या हमारी क्वालिटी है, लीडरशिप पोजीशन, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से हमने क्या कर रहा है, कुछ पॉलिसी हमने बनाई और उसके लिए हमने एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हम है हमारी बिजनेस पॉलिसी। कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस, ये क्या है, गाइडलाइन है डेवलप बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन। यानी कि जो भी हमें बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है या उनको इफेक्टिवली रन करना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को रन करना है। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं, दे डिफाइन द लिमिट विद इन द विच डिसीजन मस्ट बी मेड। यानी कि जो भी डिसीजन लेने हैं हमें उन्हीं के हिसाब से लेने हैं। ठीक है, जो भी हमने अपने लिए गाइडलाइन तैयार की है, जैसे सपोज हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, हम उसको कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि आपको इन गाइडलाइंस के बियॉन्ड जाके काम नहीं करना है, ये आपके रोल्स हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप इस तरीके से इन पॉलिसीज पे आपको काम करना है। तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस पॉलिसी की। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसकी पॉलिसी के हिसाब से काम करूँगा, तभी मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, और कंपनी की भी यही कोशिश रहती है कि जो हमारी पॉलिसी है उनके हिसाब से काम करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में, बिजनेस पॉलिसीज आर डील विद द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज विद विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव। ठीक है, अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि जो भी रिसोर्स है हमें उन्हें किस तरीके से एक्वायर करना है। ठीक है, ताकि हम अपने जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम बहुत टाइम के साथ अचीव कर पाए। बिजनेस पॉलिसीज आल्सो नीड स्टडी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, द सिग्निफिकेंट इश्यूज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। ठीक है, अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बिजनेस पॉलिसी आल्सो नीड स्टडी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉपरली हमें प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली हमें डिसीजन लेने हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सिग्निफिकेंट इश्यूज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, वो सारे इश्यूज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी को
प्रोसीड करना है. बिजनेस पॉलिसी ऑल्सो नीड स्टडी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द सिग्निफिकेंट इशू अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिसीजन अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी. कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या है स्पेसिफिक. आपकी बिजनेस पॉलिसी है स्पेसिफिक होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉई हैं आप वो आपकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपकी क्या पॉलिसी है, आप किन पॉलिसीज पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हो और किस तरीके से हमें उन्हें अप्लाई करना है. ठीक है, और सर्टेनिटी होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, सर्टेन पॉइंट यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू रिटेन, यू हैव टू मेक इन योर बिजनेस पॉलिसी विच कैन हेल्प योर एम्प्लॉय टू इजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर, सेकेंड वन इज क्लियर. पॉलिसी मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी कंसाइज इन नेचर. ठीक है, थर्ड वन इज रिलायबल यूनिफॉर्म. ठीक है, यानी कि आपकी जो भी बिजनेस पॉलिसी है उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएँ. ठीक है, अच्छा कोई अगर हम कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ ना कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो जिसकी वजह से हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं. तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अगर हम किसी भी किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इसको फॉलो करने के बाद हमें फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलायबल और यूनिफॉर्म. नेक्स्ट लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट फॉर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल. ठीक है, यानी कि जो आपकी जो बिजनेस पॉलिसी है आपके प्रेजेंट आपके जो प्रेजेंट गोल है उनके हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, जो भी आपके प्रेजेंट के टाइम में आपके जो भी गोल है उनके हिसाब से आपने अपनी बिजनेस पॉलिसी को सेट करना है, यानी कि अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसी यू हैव टू फॉलो. नेक्स्ट है सिंपल, आपकी बिजनेस पॉलिसी का नेचर सिंपल होना चाहिए, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. इंक्लूसिव होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे. और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल इन द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन. मीन्स टू से द पॉलिसी विच यू आर मेकिंग दैट पॉलिसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर. मीन्स टू से इफ देयर इज अर्जेंसी, इफ देयर इज ए डिफरेंट सिचुएशन गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन ईजी टू चेंज योर बिजनेस पॉलिसी. मीन्स अगर कोई आपको माइनर चेंज करना है तो आप उसको बहुत अच्छे इजीली चेंज कर पाएं. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर, कि आपकी जो भी बिजनेस पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि आप उसको टाइम के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई या चेंज कर पाएं. ठीक है, तो वो ये हम बात कर रहे हैं कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी के. स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएट, सिंपल, इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इन नेचर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बिजनेस पॉलिसी का. बिजनेस पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस पॉलिसी की, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी और नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी. ठीक है, तो अब एक बार मैं आप और बता देता हूँ आपको डेफिनेशन के बारे में. बिजनेस पॉलिसी डील विद डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ एंड ऑनगोइंग एंटरप्राइज. फ्यूचर में हमें ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करना है या कर रहे हैं, अब प्रेजेंट में किस तरीके से कर रहे हैं, फ्यूचर में किस तरीके से करना है, उसके लिए हमने जो भी पॉलिसी बनाई है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सच पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल, जो कि टॉप लेवल के द्वारा लिए जाते हैं. अगर कोई भी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, बिजनेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टॉप लेवल के द्वारा की जाती हैं. टॉप लेवल मिलकर डिसाइड करता है कि हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करना है और किस कौन सी स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना है ताकि हम अपने गोल्स को बहुत अच्छे से बहुत टाइम के अकॉर्डिंग अचीव कर लें. ठीक है,